ब्लेसिंग्स को मत पकड़ो, ब्लेसिंग देने वाले सोर्स को पकड़ो। अने खाना कुकर में बना है तो कुकर को धन्यवाद दोगे कि खाना बनाने वाले को धन्यवाद दोगे? अरे जो ओरिजिन है जिसने बनाया, प्रभु को धन्यवाद दो, उसको धन्यवाद दो और उसके नाम से। मतलब ये है कि जीसस इज द पावर एंड जीसस इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। प्रभु यीशु मसीह हर चीज का स्रोत है, हर चीज का देने वाला है, हर चीज का दाता है। मेरा माई बाप है, मेरा प्रेमी प्रभु है, मेरे लिए सब कुछ दिया, मेरे लिए अपनी जान दिया। आई शुड बी थैंकफुल फॉर हिम, आई शुड थैंक, मुझे धन्यवाद 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 देते रहना चाहिए। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि उसने एक और अवसर दिया आप सबों को। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय। सबसे पहले मैं एक पोर्शन आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ जो कि यहोशू की पुस्तक 24वां अध्याय और 15 वचन में है। कहता है कि और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों की देवता की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही का सेवा नित करूंगा। बट एज फॉर मी एंड माई हाउस होल्ड वी विल सर्व द लॉर्ड। ये यहोशू की वचन है। अब देखिए, मैं कुछ आज अलग से बात करना ये चाहता हूँ, कुछ धन्यवादी मन प्रकट करना चाहता हूँ कि आई एम थैंकफुल टू द लॉर्ड और उसके सारे बेनिफिट्स के लिए, उसके आशीषों के लिए धन्यवाद देता हूँ। और मैं हरदम यही कोशिश करता हूँ कि धन्यवादी मन में रहूँ, जो बोलता हूँ वो मैं करूँ, अपने जीवन में पहले प्रयोग में लाऊँ कि जो कुछ मेरे पास है उससे संतुष्ट रहूँ और अपने औकात समझूँ और उसे धन्यवाद दूँ। क्योंकि मेरे पिता कहते थे कि तुम जितना चाहे पढ़ लो, मेरे सब पूरे चिल्ड्रंस को बोलते थे पढ़ लो, अच्छे से पढ़ो, अच्छी नौकरी करो, अच्छा कमाओ, और लेकिन परमेश्वर की सेवा पूरे तन मन धन से करो, परमेश्वर की सेवा में सब लगाओ। और उनकी इच्छा के अनुसार हम लोग सब बच्चे थे, हाय और रहेंगे। अब देखिए, मैं बोलता हूँ एक दूसरी पीढ़ी अभी जो आ रही है, उन बच्चों के लिए भी हम यही दुआ करते हैं कि मेरे बच्चे, हमारे बच्चे परमेश्वर की सेवा निस्वार्थ भावना से करें और उसकी स्तुति प्रशंसा करें। और वैसे ही अपने बच्चों से जब हम देखते हैं ना कि उनकी सेवा हो रही है तो बहुत आनंद लगता है, बहुत एक सेटिस्फैक्शन रहता है कि हमारे घर में प्रभु यीशु मसीह जीवित है। देखिए, मैं एक और उदाहरण बताऊँ आपको। ये मिस डॉक्टर पेन लोग आए थे मिशनरी बन के, जब राजनांदगांव में, अभी पहले आके रह चुके थे, चले गए, फिर दोबारा जब आए तो राजनांदगांव आए, तो मेरे को ईयर ठीक से याद नहीं है। तो वो उस समय आए तो मैं उनकी वाइफ से पूछा था, हाउ मेनी चिल्ड्रन यू हैव? उसने बोला कि वी हैव 8 चिल्ड्रन एंड 36 ग्रैंड चिल्ड्रन। 36 है कि 38 है शायद, ग्रैंड चिल्ड्रन बोली। मैं बोला, ओह माय गॉड, देन व्हाई डोंट यू स्टार्ट ए कॉन्ग्रीगेशन एंड कॉल मी एज ए पास्टर ऑफ योर चर्च? तो हंसने लगी थी। मैं बोला, मुझे बुला लो, तुम्हारे एक कलीसिया स्थापित कर लो और मुझे पादरी नियुक्त कर लो। तो हंस रही थी, लेकिन बोली कि देवदास, डू यू नो? बोला, व्हाट? एवरीबॉडी इज इन क्राइस्ट, हर कोई प्रभु यीशु मसीह में है। सबसे बड़ी गवाही, मेरे को वो बहुत अच्छा लगा और मेरे पिताजी की बात भी मुझे याद आई। और हम भी यही चाहते थे, मेरी वाइफ भी यही चाहती थी कि आप उसके बच्चे, बोले हमारे बच्चे, आप जब प्रचार करते हो आपके साथ में अपने बच्चे, जब हमारे खानदान के बच्चे, हमारे परिवार के बच्चे साथ दें मिनिस्ट्री में, तो कितनी बड़ी आशीष होगी। और खैर, वो तो देख नहीं पाई, लेकिन आज मैं आपको एक गाना सुनाऊंगा जो कि मेरे बच्चे लोग ने गाया है। देखिए, मेरी लड़की रहती है छोटी वाली रूना को, आप जानते हैं सब, प्राय अपनी कलिशियन बोलता हूँ कि वो शिकागो में रहती है।
और मेरा तीसरा भाई का एक लड़का है जो है अनुराग, डॉक्टर अनुराग है, और वो MSc AG किया, PhD किया, असिस्टेंट प्रोफेसर था एग्रीकल्चर कॉलेज इलाहाबाद में, और वहाँ से वो बिलीग्राम के उस समैरिटन पर्स के काम में वो इराक में इरबिल में वो काम कर रहा है। वो इराक में है और ये शिकागो में है। दोनों बच्चे एक ही साथ के हैं, करीब करीब 6 महीने का डिफरेंस है, रोना ही बड़ा एक बड़ी है शायद। तो ये दोनों मिल के गाना गाए, ये यहाँ से गाई, वो वहाँ से गाया, दोनों गा के उसको इलाहाबाद भेजे। पता नहीं उसका कोई दोस्त है, ये है अनुराग का कोई दोस्त है, उसके पास भेजे, उसने उनको कंपाइल किया और उस गाने को बनाया। और वो गाना जो है मैं आज आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। अब मैं सोचता हूँ कि मेरी वाइफ रहती तो बहुत ही खुश होती, लेकिन जो भी जो है आशीषें मैं उसके साथ बांटना चाहता हूँ। और जैसे यहोशू में कहा गया है कि परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा का ही सेवा करूँगा, नित करूँगा, सदा करूँगा, चाहे तुम जो भी कर लो, मैं तो यहोवा का ही सेवा करूँगा करके वो बोलता है। अब देखें यहाँ पर इस गीत को अपन सुनते हैं, उसके बाद धन्यवाद के संबंध में कि कैसे हमारे दिलों में धन्यवाद उगता है, उगाना चाहिए, बढ़ता है, बढ़ाना चाहिए, अपन चर्चा करेंगे। आइए उस गीत को अपन सुनते हैं। Thank you.
रोशनी का तू बनता मीना, रोग से होता लाचार, चंगा करता तेरा कलाम। मेरे जीवन में स्वर्ग आशीष है, मेरे जीवन में स्वर्ग आशीष है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि इन बच्चों ने गीत गाया और इसके अर्थ को भी आप समझ गए होंगे, सुने होंगे। कितनी मतलब प्रशंसा परमेश्वर की है कि वो गुनाह को माफ़ करता है और कोई बुराई नहीं, भलाई ही चाहता है। हमारे लिए कोई बुराई की योजना उसके पास है ही नहीं, न था। जब आदम हव्वा को बनाया तो कोई बुराई की योजना उसमें थी नहीं, वो तो खाली एक स्वर्गीय धाम बना के रखा था। सारी चीजें वहां पर जितनी आवश्यक थी सब कुछ बनाया, सारी चीजों पर राज करने को दिया, सब किया। लेकिन क्या करें, गलती हुई और उसके कारण से आज भी हम भुगत रहे हैं। तो परमेश्वर सब अच्छा ही अच्छा देने को करता है, लेकिन हम उस अच्छाई को लेने से मना करके बुराई की ओर बढ़ते जाते हैं। ये हमारी नेचर है। बहुत ही कॉमन चीज मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल जनरल चीज है। आप अपने आप में सोच के देखिए कि ये एक दोष हमारे में, मेरे में, तुम्हारे में है। एंड इट इज देयर एंड इट विल बी देयर अनलेस अनटिल यू हैव टू सक्सीड इट, ओवरटेक इट। उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसको खत्म करना पड़ेगा, उस इच्छा को मारना पड़ता है। बहुत मेहनत लगता है, बहुत कृषि चाहिए, बहुत प्रेयर चाहिए, बहुत डेडिकेशन चाहिए। क्योंकि यदि तुम खुश रहना चाहते हो तो ये कहना धन्यवाद करना सीख लो। यदि धन्यवाद कर लेते हो मतलब when you start counting your blessings, you will be happiest person on this earth. इस जमीन पर, इस धरती पर सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति कौन है? जो अपने आशीषों को गिनता है, नाम बनाम गिनता है। और ये आशीष गिनना कैसा है, मतलब ये ब्लेसिंग जो है हमारे अंदर में आती है। भजन संहिता 103 में और उसका एक और दो वचन में ऐसा लिखा हुआ है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, ब्लेस करो, धन्यवाद दो। उसके बाद हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना, किसी भी उपकार को ना भूलना। मैं इसको सोचता हूं, उपकारों को याद करने की क्षमता मेरे पास तो नहीं है, ये खुदा भी जानता है। इसलिए बोले कम से कम ना भूलने वाला काम करो, याद करने का छोड़ो, ना भूलने का काम करो। ना भूलना मतलब जब भी जरूरत पड़े फटाक से याद आएगा खुदा ने मुझे कैसे बचाया, फटाक से याद आएगा खुदा ने मुझे क्यों जिंदा रखा, फटाक से याद आएगा खुदा ने कैसी आशीष दी थी, फटाक से लगेगा इस योग्य मैं था क्या। नाप के देखो ना, अपने को तौल के देखो। मैं देखता हूं कि am I capable, am I able to get this blessing, इस आशीष को पाने की मैं इच्छा, मेरे पास है शक्ति। नेवर, कभी नहीं हो सकता है। इसलिए क्या बोलता है, हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज गो टू डेफिसिट एंड वी लीव सरप्लस। जो मेरे पास है उसको नहीं, जो नहीं है उसको मैं रखता हूं। जो मुझको चाहिए चाहत बहुत ज्यादा है और जो चीज है उसकी कदर मैं नहीं करता हूं। मैं आगे आपको और बताऊंगा इसके बारे में, आप देखें जैसे कि जैसे भी देखेंगे, मतलब दो मछली पांच रोटी वाला अपन जाते थे। मरकुस छठवें अध्याय में भी लिखा है, देखना आप उसको, मरकुस में ही पढ़ के देखना आप, उसमें खाली दिखे रहेगा। उस मजकूर के 6:38 में क्या बोलता है, देखो कितनी रोटी है,
डायरेक्ट लिखा है, देखो कितनी रोटी है। और क्या वहां पूछ रहा है इनको खाना खिला, तो बोले हमको जाना पड़ेगा, 200 दिनार का सामान लाना पड़ेगा, ये पैसा कहाँ से लाएंगे, ये तो जंगल में है, बाजार वहां है, कौन सा बाजार, कौन सा दुकान खुलेगा, इतने लोग के लिए सप्लाई कैसे होगा, पहले से ऑर्डर करना पड़ेगा, ये सब चीजें जिन्होंने वास्तविक है। मैं नहीं बोलता कि नहीं है, है प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स तो है, फिलिपस के पास भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन प्रभु क्या बोलता है कि देखो कितनी रोटी है, देखो कितनी रोटी है, पहले देख अपने पास कितनी रोटी है, तब दूसरा बात करना। तू तेरे पास है 500 और तू उसके बाद अभी बार रहा है 200 दिनार की बात कर रहा है, 200 चीजें की खरीदने की बात कर रहा है, तेरे पास है ना, पहले उसको लाके तो आजमा के देख, दो मछली भी तो है तेरे पास, भूलता है क्या, और तेरे पास यीशु मसीह भी तो है, इसको तो भूलता है क्या। सबसे बड़ी चीज तो ये, मेरे पास यीशु मसीह है, उसको भी मैं भूल जाता हूँ, इसको नहीं भूलना चाहिए हमें। क्योंकि मैं एक बात बताऊं आपको, बेंजामिन फ्रैंकलिन करके एक है, उसका एक कोटेशन मैंने पढ़ा है बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम से, याद रखना, मार्वलस चीज उसने बताया है, मेरे को बहुत इंप्रेस किया, मैं आपको बताता हूँ, देखिए पढ़ के, कि सम पीपल से दैट देयर आर थॉर्न्स ऑन रोजेस, कुछ शिकायत करते हैं कि गुलाब पौधे में कांटे हैं, समझ गए ना मेरे जो मतलब बता रहा हूं। अच्छा, उसके बाद अदर्स थैंकफुल दैट देर आर रोजेस ऑन द थॉर्न्स, मतलब कुछ धन्यवाद देते हैं कि कांटों पर गुलाब के फूल लगे हुए हैं। हम बोलते कांटे हैं वहां फूल लगे हैं, कोई बोलता है कि कांटों के ऊपर फूल लगे, समझ गए ना मेरा मतलब, अंदाज समझ गया कि थैंक मतलब धन्यवाद देने के लिए मेरे पास कारण है। कब है, जब मैं सोचूं, मैं कांटों को देखते रहूं तो गुलाब फूल की ये मतलब औकात भूल गया मैं, लेकिन गुलाब फूल को देखता हूं तो लगता है कांटे कौन सी चीज है, छोटे छोटे कांटे, ये कांटे अच्छे है ना, बचता है फूल बचाने के लिए, ये कांटे क्यों आए, फूल को बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, कोई भी तोड़ने को करेगा तो हाथ में पहले कांटा लगेगा, इसे नहीं तोड़ सकता, मेरे बगीचे में चोरी नहीं कर सकता क्योंकि कांटे लगे हुए हैं, उसको धीरे से लग के तोड़ना पड़ेगा तब टूटेगा। याद रखो ये मतलब आशीष जो मेरे को दी है ना, गिनो नाम बनाम गिनो, गिनते रहो गिनते रहो गिनते रहो। अब देखिए, अभी कभी कभी आपने को ना ऐसे लोगों से भी पाला पड़ा होगा, आपका भी मेरा भी पड़ता है रहता है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है, अपने आप भी ऊपर भी लेके देखो, एक बार किसी से हाउ आर यू पूछ दो बस, भाई कैसे हो आप। कुछ लोग ऐसे हैं शुरू करेंगे ए से लेकर जेड तक पूरी तक, अरे पर पैर में तकलीफ है तो बुखार आ जाता है, तो खाता हूं तो टकार आता है, तो हजम नहीं होता, इतनी दवाई खा रहा हूं कुछ नहीं होता, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, मेरे नौकरी में ये शिकायत है, मेरे इधर है बॉस ऐसा है, मेरे मोहल्ले में ऐसा है, मेरी गाड़ी ऐसी है, ये नई चीज है, वो मेरे पास नहीं है, कैसे ये शिकायत 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 करते रहेंगे, देयर इज नो एंड फॉर कंप्लेंट्स डियर, कोई अंत नहीं है। और कुछ जो है बहुत खुश रहते हैं, मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे दो टाइम का खाने को दिया, मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ उसने पाचन शक्ति दी, मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ उसने मुझे नौकरी दी, खुदा को धन्यवाद देता हूँ मुझे आयु दी, खुदा को धन्यवाद देता हूँ इतनी बीमारियाँ होने के बाद भी मुझे जीवित रखा है, तंदुरुस्त है, मेरे में चेतना है, मेरे में सब शक्ति है, मैं सोचता हूँ, मैं प्रचार कर सकता हूँ, मैं गीत गा सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मेरे घर में आनंद है, खुदा तू दिया है तू लिया है, आई डोंट माइंड, आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट, कोई शिकायत नहीं है मेरे बाप, तूने बहुत कुछ दिया है, धन्यवाद देते हैं लोग। और कुछ तो हरदम शिकायत ही करते रहते हैं। एक बार किसी से मेरी वाइफ बोल रही थी, देखो मैं कैंसर से पीड़ित हूं, मैं कभी शिकायत की क्या, और तुम दो दिन बुखार है तो मारे जी शिकायत कर रहे हो, धन्यवाद देना सीखो। ये आरती के शब्द थे, याद रखना, धन्यवाद दो धन्यवाद दो धन्यवाद दो, एंड आउट ऑफ दोज You get so many blessings. और किसको मैं बताऊं, blessings को मत पकड़ो, blessings देने वाले source को पकड़ो, है ना। खाना कुकर में बना है तो कुकर को धन्यवाद दोगे कि खाना बनाने वाले को धन्यवाद दोगे, अरे जो ओरिजिन है जिसने बनाया, प्रभु को धन्यवाद दो, उसको धन्यवाद दो, और उसके नाम से, मतलब ये है कि जीसस
इज द पावर एंड जीसस इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। प्रभु यीशु मसीह हर चीज का स्रोत है, हर चीज का देने वाला है, हर चीज का दाता है, मेरा माई बाप है, मेरा प्रेमी प्रभु है, मेरे लिए सब कुछ दिया, मेरे लिए अपनी जान दिया। आई शुड बी थैंकफुल फॉर हिम, आई शुड थैंक, मुझे धन्यवाद 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 देते रहना चाहिए। हम बोलते ना, हाँ आज के दिन के लिए परमेश्वर ने हमें साथ दिया, हमें मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैंने शुरू में बोला, ये कहां से बोला, यहां से आता है क्या? आज के दिन के लिए ये तो डायलॉग बोल रहे हैं कि इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कि इंट्रोडक्टरी स्पीच कर रहे हैं, कि इंट्रोडक्टरी वर्ड्स बोल रहे हैं, कि भाषण शुरू करने की शैली है क्या है, कि यहां से निकल रहा है क्या? सचमुच में खुदा को धन्यवाद देना सीख जाऊं मेरे प्रियो, यदि मैं सीख जाऊं मेरे जीवन में सुख ही सुख और आनंद ही आनंद है। इफ यू हैव लर्न टू गिव थैंक्स यू विल गेट द ब्लेसिंग्स एंड यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। इस संसार में सबसे ज्यादा सुखी तुम रहोगे, क्यों? कहे उसी 132 भजन में कहता है कि वही तेरे अधर्म को क्षमा कर देता है। ओ माय गॉड, तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। ये गाने में गाए बच्चे लोग, मैं ये गाना रात को सुन रहा था कल। ओह मैं बताऊं, आई वॉज वीपिंग, क्यों? खुशी के आंसू थे मेरे अंदर में कि मेरे बच्चों के मुंह से तूने ये गाना निकाला है मेरे बाप। आई एम थैंकफुल, ओ प्राई प्रेज यू, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। इस योग्य तो मैं नहीं हूँ, खुदा की इतनी सारी आशीष तू दे देता है मुझे। ओ माय गॉड, कितना किया मेरे लिए, सब कुछ तूने दे दिया है, अपने इकलौते बेटे को तूने दे दिया है, और मैंने तुझको क्या दिया है? कुछ नहीं, इधर कुछ आता है, दिल से उजे हम धन्यवाद देंगे। मतलब क्या है कि हम पहले देखेंगे फॉर व्हाट वी शुड गिव थैंक्स करके, हम पहले देखें कि हम किस बात के लिए धन्यवाद दें, इस बात के लिए अपन ध्यान करेंगे। आई एम सॉरी फॉर दिस। और देखिए, हाँ, फॉर व्हाट टू गिव थैंक्स, काय के लिए, फॉर व्हाट शुड आई गिव थैंक्स, किसके लिए मैं धन्यवाद दूं? सबसे पहली चीज, सबसे सर, हो सकता है मेरी चीजें आपकी चीजें अलग अलग हैं। इस लिस्ट में मेरे कुछ है धन्यवाद देने के विषय, आपके पास कुछ है, हर एक के पास, तुम्हारे पास कुछ है, दे सकते हो। यदि किसी के पास धन्यवाद देने के कोई विषय नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, और ऐसा है तो तुम शैतान के अधीन में हो। धन्यवाद देने के लिए तुम्हारे पास है, धन्यवाद दो। लिया है उसने धन्यवाद दो, दिया है उसने धन्यवाद दो, लेकिन धन्यवाद दो जिससे भूता बाप खुश होता है, क्योंकि उसने सारे संसार की सृष्टि की है, आदम हव्वा को रखा है, वो पाप हमारे अंदर में है, एंड वी आर स्टिल आउट ऑफ दैट गार्डन ऑफ एडन, आदन के बगीचे से हम अभी भी बाहर हैं। वो प्रकाशित वाक्य तक मुझे आदन के बगीचे में ले जाने की कोशिश करता है, मुझे वापस उस स्थिति में लाने को करता है, मुझे स्वर्ग में ले जाना करता है, स्वर्ग स्थान में रखना चाहता है, और अभी तक मैं स्वर्ग में गया नहीं हूं, इसलिए यहां पर हूं, इसलिए स्ट्रगल है, इसलिए ये सारी चीजें हैं, इसलिए ये तकलीफें हैं, लेकिन इसमें यदि मैं धन्यवाद देता हूं तो सारे आनंद मुझको प्राप्त हो जाएंगे। सबसे पहली चीज धन्यवाद देते हैं काहे के लिए? ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ, जीवन के लिए, जिंदा रखा है मुझे इस आयु में भी, इसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ खुदावन। क्यों? सांस चल रही है मेरी, इसके लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ खुदावन। मैं सोया तो जीवित हूं, जगा हूं तो जिंदा हूं, चलता हूं तो जिंदा हूं, बोलता हूं तो जिंदा हूं, सोचता हूं तो जिंदा हूं, नहीं सोचता हूं तो जिंदा हूं। मैं कंट्रोल उसको कर नहीं सकता, उस चीज को तूने मुझे दिया है। यू आर द कंट्रोलर ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का ये चीज है। मतलब देखे, ये जीवन में हम कभी कभी बोलते हाथ दर्द दे रहा है, ओ इधर लग गया, ओ बोलते ठीक है, मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूं, मेरे को भी लगेगा, जलेगा तो मैं तो करूंगा ही, ऐसा नेचर है। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, ये पेन भी एक ब्लेसिंग है, ये दर्द भी एक ब्लेसिंग है। मैं लिप्सी हॉस्पिटल में, मैं कब से करीब 2000 से काम कर रहा हूँ, बीच जाने के बाद से मैं ट्यूशन उशन करता था, वो सब बंद किया, और सवेरे कॉलेज जाता था, शाम को इधर हॉस्पिटल में 4 बजे जाता था, 4 से 6, 6:30, कभी कितना भी देर हो वहाँ पर रह के मैं आता था, काम करता था, और उनके साथ मैं जुड़ा, और मुझे उनकी सेवा करने का इतना अवसर मिला। आई एम सो थैंकफुल, कभी कभी मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ तूने मुझे ये अवसर दिया कि इन बेचारे लाचार लोगों की सेवा, मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन आई कैन सी देम, आई कैन कंसोल देम, उनसे बातें तो कर सकता हूँ। मैं कई घटनाएं आपको बता सकता हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं 4 बजे जाके हाथ चाबी खोला और ऑफिस में मैं अकेला बैठा हुआ था, उठे में देखा कि डिस्पेंसरी के सामने वरंडे में एक आदमी, मैं
हाफ कुर्ता पहना है और धोती पहना है, मराठी दिखता है, वो जमीन पे लौट के इधर उधर हो रहा और उसका लड़का जवान सा उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा। मैं जाके देखा तो अंदर से मूलचंद सिस्टर थी उस समय, वो निकली, नमक पानी या कुछ लाई, उसके नाक के इधर पूरा नाक वॉज गॉन, लेप्रसी में गल गया, उसको डाल के ना वो ऐसा फोर्सेप्स से खींच रही थी तो लंबा निकल रहा था। मैं बोला सिस्टर क्या है, तो बोले मैगेट्स हैं, चावल के अंदर जो सफेद कीड़े होते हैं ना वैसे वाले, और खींचो तो तान तान के रबड़ टाइप लंबा निकलते जा रहा है। और वो पता नहीं उसको दर्द है कि अड़चन है कि दर्द तो होता नहीं, और दर्द नहीं होता मतलब लेप्रसी है। कैसे टेस्ट करते हैं, रुई लगा के ऐसे 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 करते हैं, आंख बंद करो तुम और बताओ कहाँ पर है, कहाँ है, और कहाँ है जिस पोर्शन में तुमको सेंसेशन नहीं है तो वहां पर तुम्हारी लेप्रसी है, क्योंकि वहां के नर्व्स काम करना बंद कर दिया है, लेपर है। मैं उसको देखा, आई कांट डू एनीथिंग, मैं तो कुछ कर नहीं सकता था, मैं नहीं देख सका। मैं आके अपनी कुर्सी पे बैठा ऑफिस में, लिटरली आई स्टार्टेड वीपिंग, मैं रो रहा था। क्यों मालूम, उसके दर्द और उसकी तकलीफ के लिए नहीं, मैं इसलिए ये हो रहा था, मेरे को इनर फीलिंग हो रहा था कि खुदावंद मेरे में कौन सी ऐसी अच्छाई है कि मैं अच्छा हूं, और वो ऐसा है मेरे को लेप्रसी नहीं है खुदावंद, क्यों मैं अच्छा हूं, मुझे वो दर्द नहीं है खुदा, तेरी आशीष है, इसलिए मैं तुझे आई एम थैंकफुल टू यू लॉर्ड, ब्लेस हिम। और बड़े एक आध साल के अंदर ही पता चला कि उसके लड़के को भी हो गया, वो तो मर गया, उसके लड़के को भी हो गया। वैसे इन्फेक्चुअस नॉन इन्फेक्चुअस दो प्रकार का लेप्रसी होता है, लेकिन जो भी है पता नहीं मेरे को लड़के को भी हो गया, वो भी इलाज के लिए आने लग गया था। क्या होता है, इनके दर्द को देखो, दर्द तो है मतलब दर्द मेरे को दिया है, मैं इसको बताने के पीछे बोलता कि दर्द मेरे को दिया है इसके लिए वी शुड बी थैंकफुल कि सेंसेशन है, दर्द मेरे को पता चल रहा है इसके लिए धन्यवाद दो ना, दर्द नहीं है मतलब लेप्रसी है। मतलब गर्म पानी गिर गया एक जन के पैर पे, वो बोला पता नहीं चला तो पता लगा कि लेप्रसी है। ये आते हैं ठीक हो जाता है, फिर जाते हैं खेत में काम करते हैं, पैर में कांटा वांटा गड़ जाता है, पता नहीं चलता है, वो एब्सेस हो जाता है, अल्सर हो जाता है, फिर आते हैं इलाज कराते हैं, फिर वो सिस्टर जो है वहां निकालती है मैगेट्स निकालती है, उसका जो है वो भी ड्रेसिंग करते ये करते ठीक होता, खाना तो खाना है उनको, काम तो करना है खेत में करना है, गरीब बेचारे जाते हैं फिर काम करते हैं फिर आते हैं अल्सर केसेस। खुदा ने मुझे तुम्हें सेंसेशन दिया इसके लिए धन्यवाद दो, नहीं दोगे देव धन्यवाद दो, खुदा को धन्यवाद दो, क्योंकि उसने जीवन दिया है, उसने दर्द दिया है, उसने सहने की शक्ति दिया है, उसने सेंसेशन दिया है, ये सारी चीजों के लिए मुझे धन्यवाद देना है, मेरे मन यहोवा को धन्य क्या कहना पड़ता है। और देखिए और भी हम उसको धन्यवाद देना चाहें तो ये blessings for the provisions he has given, जिसको अपन बोलते हैं क्या बोलते हैं substance जो दिया है, वो प्रावधान उसने जो दिया है, इसके लिए अपन धन्यवाद दें, जो कि लिखा है व्यवस्था व्यवस्था विवरण देखिए उसके छठवें अध्याय और ग्यारहवें वचन में मैं पढ़ता हूं, जो कि उसके पहले लिखा है परमेश्वर की आशीष जो पूर्वजों के साथ वाचा दिया था उसको पूरा किया है, अब्राहम जो इसहाक वगैरह लोगों के साथ जो प्रॉमिस किया उसने वो उसने पूरा किया है। और ये 6 के 11 में कहता है, मैं जो पोर्शन पढ़ रहा हूं वो देखिए, अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, दाख की बारियां और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वह दे और तू खा के तृप्त हो, तेरा खानदान तेरा परिवार तर गया। ये व्यवस्था उन्होंने बोलता है दीज आर द ब्लेसिंग्स व्हिच गॉड हैज गिवन टू यू, ये ब्लेसिंग्स उसने हमें दिया है। कैसे दिया है मतलब सावधान रहो, जब जैसे मैं देखिए आपको बड़ा इजी बताता हूं, मैं सरमन ये पहाड़ी उपदेश है ना, उसमें देखो यीशु मसीह ने सारी चीजों को कितना हल कर दिया है, उसमें ध्यान दिए हो कभी, क्या बोलता है ब्लेस्ड आर दोस हु आर पोर, है अरे गरीब है तो ब्लेस्ड है बोलता है, वैसे जो मन के दीन है वो धन्य है, और जो शोक करते हैं वो भी धन्य है, मतलब मेरे घर में शोक है मैं परेशान धन्य है, मैं भी धन्य हूं। और जो जो कुछ मतलब कैसे करके उसने सब चीजों को ब्लेसिंग में बदल दिया, और ब्लेसिंग को उसने इजी कर दिया, और क्या बोलता है जो भूखे प्यासे हैं वो धन्य है, जो सताए जाते हैं वो धन्य है, जब तुम्हारी निंदा होती है तो तुम धन्य हो, सारे कर्सेस को सारी चीजें जो बिगड़ गई हैं उनको आशीष में बदल के खुदा बोलता है तुम धन्य हो।
ये सब चीजें यदि तुम्हारे ऊपर आती है तो तुम धन्य हो। समझो, सबसे इजी और बहुत भयंकर चीज जो है पहाड़ी उपदेश है। यीशु मसीह ने शुरुआत किया है, सारी चीजों को खोल के रख दिया है और उसने क्या बोलता है, सारे प्रावधान है, मतलब धन दौलत जो दिए है वो भी परमेश्वर का दिया हुआ है यार। पैसे कौड़ी जो देता है ना वो खुदा का दिया हुआ है। शान शौकत जो दिया वो भी खुदा का दिया। उसके मतलब जितने प्रोविजन है, जितने चीज चाहिए, जिसके घर में खाने को नहीं वो दुआ किया उसको खाना मिल गया। ये भी मैं कई चीजें मैं सुनाऊं। मैं तो हैदराबाद में था एक कन्वेंशन में, उस समय पता लगा कि दोपहर के लिए कन्वेंशन पूरा फ्री खाना, हजारों लोग रहते फ्री खाना था हैदराबाद में। मैं गया होता था आई थिंक इन 1962 समथिंग लाइक दैट। बॉक्सिंग वाज अलाइव, बॉक्सिंग था उस दिन, प्रीच करना था दोपहर को, लेकिन वो अपने कमरे में बंद है। तो लोग जाके उनको बोले, तो ब्रदर बोले कि उनको पता था कि दोपहर के लिए एक दाना नहीं है, इतने लोग को खाना खिलाना है, फोकट में खिलाते हैं। तो बोले ब्रदर आज नहीं आएंगे प्रीच करने को, वो प्रेयर में है, कोई दूसरा शायद सरमन देना शुरू किया। करीब 3:30-3 बजे तो खाना होता था सब खत्म होने के बाद। उस दिन खाना क्या मिला मालूम, पुलाव, घी, प्योर घी में बना हुआ पुलाव खाया था मैं, हम, क्यों कि बोले बैलगाड़ी में घी के टिन्ने के डब्बे और चावल के बोरे भर के आया था कहीं से। तो ब्रदर को बताया ऐसा हुआ, तो बोले सब घी डाल दो, सब चावल डाल दो और बनाओ, पूरा खाओ, खत्म कर दो, डोंट वरी अबाउट टुमारो, क्योंकि खुदा देने वाला माई बाप सप्लायर मेरे पास में है। सारी चीजें ब्लेसिंग्स वो देता है, प्रोविजंस वो देता है, सब्सटेंस वो देता है, धन दौलत वो देता है। व्यवस्था विवरण 8:18 में कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से बांधी थी उसे पूरा करे, जैसे आज प्रकट है। व्यवस्था विवरण 8:18 में दिया है, और इसको पढ़ते जाइए, मतलब आपको मिलते जाएगा कैसे करके उसने सब चीज मतलब हल कर दिया है। जो को कहता है कि ये ब्लेसिंग सारी चीजें मिलती हैं, इसके लिए कभी धन्यवाद देते हो क्या? मतलब और देखिए, ब्लेसिंग्स ऑफ लव, ब्लेसिंग्स ऑफ कंसर्न एंड ब्लेसिंग्स ऑफ रिलेशनशिप, ये भी सारी चीजें परमेश्वर की दी है, जिसके लिए हमको धन्यवाद देना पड़ेगा। मतलब क्या, हमको एक फ्रीडम दिया है, ये ट्रायल्स के लिए, परसिक्यूशन के लिए धन्यवाद देना पड़ेगा, जितनी तकलीफें हैं उसके लिए धन्यवाद देना पड़ेगा, तुम्हें रिश्तेदार दिए उसके लिए धन्यवाद देना पड़ेगा, बाल बच्चे दिए उसके लिए धन्यवाद देना पड़ेगा, कलिसिया दिया उसके लिए धन्यवाद देना पड़ेगा। तुम जीवित हो मसीह में, इसलिए तुम्हारे संगति में कई लोग मसीही लोग जुड़ गए हैं, इसके लिए धन्यवाद देना पड़ेगा। मतलब ये सारी चीजें धन्यवाद 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 देना ही है। हिजकिया बादशाह जो है बीमार पड़ा और उसने क्लेम किया, खैर जो करता है कि उसने किया भी, 18:2 उसका 18 अध्याय पढ़ के देखना आप आराम से, मैं अभी पढ़ूंगा नहीं बता सकता, मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको कि उसने 18 अध्याय में कहता है, जितने मूसा ने सब स्तंभ बना के साफ किया था और जो जो देवता थे सबको क्रश किया, सबको तोड़ा ताड़ा, अच्छे अच्छे काम किया, मंदिर जो बंद थे खुलवा दिया, सब हुआ, और ये भी मरने वाला था, और 20वें अध्याय में आप पढ़ेंगे मरने वाला था तो क्या बोलता है, एशिया उसके पास गया और बोले कि मैं कैसा करूं, तो बोले तू अभी 10-15 साल तेरे को और भी जीवन मिल गया है, तो बोले इसको प्रूफ कैसा करेगा, तो बोले कि जब बता तू सूरज जो है 10 डिग्री आगे जाए या 10 डिग्री पीछे जाए। तो हिजकिया वॉज वेरी इंटेलिजेंट फिलो, उसने बोला तो आगे तो जाता ही है, उसको लेट द सूर्य गो पीछे, पीछे जाए 10 डिग्री, और जहां यहोशू के टाइम 4 पहर रुका था सूर्य, यहां तो पीछे चल गया 10 डिग्री, अब पीछे चल गया तो उसने वो जिंदा रहा। लेकिन क्या हुआ उसके बाद आप पढ़ेंगे, दुख की बात यह है कि पड़ोसी राजा लोग जब आए उसको विजिट करने के लिए कि यू वर सिक एंड नाउ हील, सो वी केम टू गिव आवर मतलब एप्रिसिएशन और तुमको थैंक्स अपने हृदय को और तेजो को धन्यवाद देने के लिए, हम आए हैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। तो उसने क्या किया, सब कुछ दिखाया। बोले तो पूछता है तूने क्या दिखाया उनको, तो बोलता मैंने अपना सब कुछ दिखाया, ये बाथरूम देखो, ये लंदन से लाया हूँ, वो उधर से लाया हूँ, ये इधर से है, मेरा घर देखो, मेरा शान देखो, लेकिन ये नहीं बताया कि परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी है, जिस काम के लिए उन लोग आए उनको बताया नहीं, ये उसका दोष था। यही हमारे अंदर में है, जब हो जाता है ना तो भूल जाते हैं, मेरा ऑपरेशन हुआ मैं ठीक हो गया और बस उसके बाद भूल गया, कैसे हो, बिल्कुल ठीक है ब्रदर, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, बोलेंगे, लेकिन कभी बोले कि परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी है, कैसे हो बेटा, ईश्वर की दया से ठीक हूं, कितने अच्छे शब्द है,
परमेश्वर की कृपा से ठीक हूं। बोलते हैं लेकिन यहां से बोलो, यहां से सोच के बोलो, उस खुदा को धन्यवाद दो। धन्यवाद के सिवा हमारे पास देने को कुछ भी नहीं है। जॉनी एरिक्सन करके, मेरे ख्याल से ऐसी वो सम लेडी, इसका कोई मैं कोई बोल रहा था, कहीं सुना था मैं, ये क्या हुआ, इसको गले के नीचे से शी वाज कंप्लीटली पैरालाइज्ड हो गया। तो वो एक इंटरव्यू में बोलती है कि आउट ऑफ दिस पैरालाइसिस आई लर्न सो मच, बहुत कुछ मैंने सीखा कि परमेश्वर कैसे महिमामान है, परमेश्वर कैसा महान है और कैसे कैसे आश्चर्य कर्म करता है। एंड शी इज पैरालाइज्ड, वो जो है मुड़की से चल रही है, व्हील चेयर पे बैठी है, उसको घुमा रहे लोग और वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रही है। कई ऐसे उदाहरण, कई पैराबल्स, कई उदाहरण हमको मिलते हैं कैसे, मतलब आज के जमाने में लोग कैसे धन्यवाद देते हैं। साधु सुंदर सिंह को देख लो, भगत सिंह को देख लो, बिली ग्राम को देख लो, जैसा भी देखो आप, इन लोग कैसे धन्यवाद देते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे रहते हैं। रवि जकरिया की सुन लो आप, और जो भी है, मतलब जितने भी नाम कितने मेरे को याद नहीं आ रहे, जितने भी हैं बड़े बड़े सेवक हैं, लेकिन कैसे हैं उन लोगों में जो हलीमी है, जो दीनता है, जो उन लोग समझते हैं अपनी औकात को, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी है। इसलिए क्या करोगे, ब्लेसिंग्स जो है हमारे पास, मेरी आयु है, मेरा जीवन है, एंड वी शुड नॉट फॉरगेट एवरीथिंग। भूलना नहीं बोलता है, याद तो रखने की नहीं, अब किसी भी उपकार को ना भूलना, किसी भी उपकार को मत भूलो, हर उपकार को ले धन्यवाद दो और धन्यवाद देते रहो, क्योंकि धन्यवाद के सिवा कुछ नहीं है मेरे पास देने को। खुदावन ये सब कुछ तो तेरा दिया हुआ है, मैं खुद तेरा दिया हुआ हूं यार, एक एक सेकेंड एक एक मिनट सब उसी के अंदर में है। रियलाइज इट, रियलाइज करो और धन्यवाद दो, परिवार सहित धन्यवाद दो, उसको धन्यवाद दो। धन्यवाद के सिवा कुछ नहीं है। शिकायत तुम कर नहीं सकते क्योंकि शिकायत करने कोई जगह ही नहीं है, जरूरत से ज्यादा वो हमको दे के रखा है। अब दे के रखा कैसे, दे के रखा है मैं देखे वो करके देते जाता है भंडार है यार, कोई कमी नहीं है उसके पास देने के लिए। जो मेरे को चाहिए वो चीज देता है, और जो मेरे को डायबिटीज है तो शक्कर नहीं खाना है तो नहीं देते, बच्चे लोग नहीं देंगे। मेरे बीपी है तो नमक ज्यादा नहीं खाना, नमक कम करके देंगे खा परिवार वाले, क्यों करते, क्योंकि देना नहीं चाहिए ना, वो बहुत बड़ा है घर में, जितना चाहिए खा ले, लेकिन मरेगा खाएगा तो। जितना तेरे को चाहिए उतना खुदा दे रहा है, तो उसमें खुश रहो, हंसो, प्रसन्न चित्त रहो। लेट एवरीथिंग बी हैपन व्हाट एवर इट इज गोइंग टू हैपन, बट ओनली वन थिंग विल हैपन, दैट आई विल बी विद हिम। एक ही चीज होगा जिंदगी में कि मैं उसके साथ रहूंगा, इसके लिए बस चैन से रुके रहो। मैं आपको एक उदाहरण बता के मैं खत्म करना चाहता हूं, मेरा समय बहुत हो गया है। देखिए एक मैं स्पर्जन को जानते हैं ना, चार्ल्स स्पर्जन को, स्पर्जन वो एक पैराबल यूज करता था और वो यूज करके क्लोज करता था मैसेजेस अपने, उस मैसेज को, उस पैराबल को, उस इलस्ट्रेशन को मेरे को मिल गया, मैं आपको बताता हूं। देखिए एक अमीर आदमी था और वो जो है पासबान को सहायता करना चाहता था कि पास्टर गरीब है, उसको सहायता करूं, लेकिन उस समय सर्जन के टाइम 100 पाउंड इंग्लैंड का, 100 पाउंड मतलब बहुत बड़ी अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट है, अभी भी ज्यादा है, उस समय तो और भी ज्यादा था। तो उसने बोला एक साथ दूंगा तो ये मुश्किल है, इसको संभालना भी मुश्किल है और ही विल बी कंफ्यूज्ड, सो एक काम करेंगे अपन। तो वो उसका अकाउंटेंट बोला उसको कि थोड़ा थोड़ा करके मैं भेज दूंगा, आप फिक्र मत करो। कहते तो बोले ठीक है, हर जो इंस्टॉलमेंट भेजोगे 5-5 पाउंड करके भेजेंगे और हर एक के साथ में एक लेटर लिखना कि गॉड ब्लेस यू एंड मोर टू फॉलो, गॉड ब्लेस यू, आगे और भी है, मोर टू फॉलो, आगे और भी है, एक नोट लिख के भेज दिया करना। वो पास्टर के पास 5 पाउंड जाता था, वो देखता था मोर टू फॉलो, और देखता था, फिर हफ्ते भर बाद फिर आ गया मोर टू फॉलो, फिर आ गया मोर टू फॉलो, 100 बोला ना उसने, जो बोला बताया मैं तो 20 बार भेजा होगा 5-5 करके, एक हफ्ते मोर टू फॉलो, मोर टू फॉलो, और बोले ऐसा परमेश्वर हमें आशीष देता है, क्या आयु मोर टू फॉलो, तोड़े मोर टू फॉलो, सेवकाई मोर टू फॉलो, प्रेयर मोर टू फॉलो, देना है मोर टू फॉलो, गाना है मोर टू फॉलो, प्रेयर करना है मोर टू फॉलो, प्रीच करना है मोर टू फॉलो, हर चीज के पीछे मोर टू फॉलो लगा लो ना, जिंदगी तर जाएगी।
ये है मेरा प्रभु यीशु मसीह, और ये है उसका प्रेम, और ये है उसकी दया, और इसके लिए मुझे धन्यवाद देना है। कई चीजें हैं जिसके लिए धन्यवाद देंगे, लिस्ट बना के रखो तो सोचोगे कि इतने सारी चीजों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहिए, मैं तो इसमें से कई भी चीजें नहीं दे रहा हूं, अपनी खामी हमको दिखाई देगी। मतलब बोले लिस्ट, मेक ए लिस्ट एंड स्टार्ट प्रेइंग एंड स्टार्ट ब्लेसिंग गॉड, खुदा को धन्यवाद देना शुरू करो, और जैसे जैसे तुम धन्यवाद दोगे ना, तुम्हारे अंदर में एक जोश उत्पन्न होगा, एंड यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ व्हेन यू रियलाइज योर ब्लेसिंग्स। जब आशीषों को गिनोगे ना, तो सबसे ज्यादा धरती पे खुश रहना है। एक फॉर्मूला मैं क्या हर कोई बताता है, आज हमको दे रहा है। खुदा आप सबको आशीष दे, धन्यवाद देने का मन दे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी उपकार को ना भूलना, कभी भी मत भूलना, क्योंकि तेरे सारे रोगों को चंगा करता है, सारे गुनाहों को माफ करता है, तू सबसे प्यारा है। कैसे करता है? अपना इकलौता पुत्र देके किया है। वो कैसे किया? सलीब पे अपनी जान देके किया। क्या बोला? पिता इन्हें क्षमा कर, और हमारे लिए क्षमा है, और वो अदन के बगीचे में हम वापस हो जाएंगे, उस स्वर्ग राज्य में हम चले जाएंगे, और बस उसके बाद तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है कोई चीज का, सारी चीजों की भरपाई वहां है, क्योंकि हमारे लिए अनंत जीवन है वहां पर। हाओ खुदा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू माइटीली, गॉड ब्लेस यू, एंड वी आर थैंकफुल टू द लॉर्ड फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक हिम, धन्यवाद देने के लिए दिया। आइए हम सब अपने अपने मनों में परमेश्वर को धन्यवाद दे कि खुदा धन्यवाद 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 बोलो, बस यू विल गेट एवरीथिंग। आइए हम प्रभा का एक आशीष वाला गीत सुनते हैं, उसके बाद दुआ करेंगे और आज की सभा समाप्त करेंगे। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग मी एंड हियरिंग मी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। स्वर्ग से मुझ में बहता है, मैं बहुत खुश हूँ उसमें भरपूर हूँ, मेरा यीशु मुझ में रहता है, मेरा यीशु मुझ में रहता है। महान महान अभिषेक पवित्र आत्मा मुझ में रहता है, पवित्र आत्मा मुझ में रहता है, पवित्र आत्मा मुझ में रहता है। खुदावंत तुझे धन्यवाद 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 देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद खुदावंत, सारी बातों के लिए धन्यवाद। आज सिर्फ धन्यवाद देता हूँ, सिर्फ धन्यवाद देते हैं हम, जितने सुनने वाले हैं जिनको जैसी जरूरत है वैसे तू पहुँचा। इस परिस्थिति में खुदावन, इस पेंडेमिक के लिए, इस कोरोना वायरस के लिए, कोरोना नहीं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, इस महामारी के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इससे तू हमें सिखाना चाहता है, और जो सिखाना चाहता है उस सीखने की कुवत दे, और इसमें भी तूने हमें संभाल के रखा उसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तू सिर्फ हमारे साथ में खुदा, हमें कोई डर नहीं, क्योंकि डर मत, तेरे ही तो शब्द है जिसे हम याद रखते हैं, और तू हमारे पास रहता है तो हमें कोई कमी घटी नहीं होती। सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन आमीन।